अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक 3-4 महीने की बच्ची का, छोटी बच्ची का फ्रॉक बता रही हूँ, सिंपल सा चुनत वाला। देखिए, गौर से देखिए और सीखिए। ये मैं अंदाजे पे कट कर रही हूँ फ्रेंड्स। बॉडी का मेजरमेंट 1 बालिश के उतना लिया मैंने और घेरे का 1.5 बालिश लिया है। बच्चे छोटे, समझ में आ जाता ना अपने को, इस हिसाब से कर रही हूँ। देख लीजिए, आप भी देख के सीखिए। ये स्लीव्स का है, देखिए फ्रेंड, चारकोनी कपड़े को मोड़ लिया, मोड़कर क्रॉस कट कर लिया। ऊपर पफ्स आएंगे और नीचे भी पफ्स आएंगे। ये फिर पट्टी मोड़ के सी लेना, आप सिरों के नीचे लगा लेना है पट्टियाँ। 2 पट्टियाँ कट कर ली और ये जो है गले के लिए क्रॉस पट्टियाँ कट कर लेंगे अपन। गोल गला है ना, क्रॉस पट्टियाँ कट कर लेंगे, 3 से 4 कट कर लेके उसको जॉइंट कर लेके लगा लेंगे। ये स्टार्ट करेंगे अपन। ये पहले हुक काजे की पट्टी लगा लेंगे। पीछे कट कर लिए थे ना अपन, 2 पीसेस कट कर लिए थे सामने का पीछे का। फिर अब उस बीच से हुक काजे की पट्टी लगाने के वास्ते कट कर लिए, वो पट्टी बिठा लेंगे अपन। ये काजे की पट्टी बिठा लिए, देखो ये अस्थिनों का नहीं, चुन्नत ले लेंगे, पफाम भी बोल सकते, चुन्नत भी बोल सकते। शोल्डर पे आता, फिर ये नीचे आता आस्तीन के नीचे। फिर उसके पट्टी, लंबी पट्टी ले लेके आस्तीन के नीचे जो है था चुन्ना डाली, ऐसे उसको पट्टी लगा के पलटा के मार लेंगे। ये हो गया कंप्लीट एक आस्तीन, और एक आस्तीन भी वैसे ही बना लेंगे, चुन्ना डाल लेना। फिर नीचे के चुन्ना डाल लेना। अपन बहुत पफ के ही बना सकते हैं, कपड़ा ज़्यादा रहा तो थोड़े पफ के ही बना सकते कपड़े के हिसाब से। पट्टी लगा के फिर पलटाना है, दूसरा भी आस्तीन तैयार हो गया है। बाजू रख लेके देखो, अब ये है नहीं पाइपिंग।